मैंने कहा मैं सबसे पहले तो ईद उल मिलादुल नबी की तमाम मुस्लिम भाइयों को, पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को मुबारकबाद देता हूं कि इस महीने मोहसिन कायनात रहमतुल आलमीन इस दुनिया में तशरीफ लाए, इस फानी दुनिया में तशरीफ लाए। जनाब आला, मैं एज ए गैर मुस्लिम भी जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वाए हुस्ना पढ़ता हूं या उनकी जिंदगी के मुतालिक पढ़ता हूं या उनका दर्रे गुजर का, माफी देने का, उनकी अमन और सलामती का पैगाम पढ़ता हूं, मुझे एक अफसोस यहां होता है कि ये कैसे हमारे उनके उम्मती हैं कि उनकी बातों पर अमल नहीं करते। मैं ये तलख बातें कहूंगा आप सबके सामने, आज इसी हवाले से कहूंगा तलख बातें। मुश्ताक साहब आप सुन लें, आप सुने, आप सुने, जो हमारे मजहबी अकाबरीन भी बैठे हुए हैं सुने। आज हमारी कौम, हमारा मुल्क सैलाब की जद में है और हमारे मुल्क में एक कौमी आफत आई हुई है और मुझे देखें, मैं हैरान हूं कि इस नबी के उम्मती एक दूसरों की टांगे खींचने में मसरूफ है और उनको भुला दिया है, अपने मुस्लिम भाइयों की भी भुला दिया है। मैं तो हैरान हूं कि हमारे मुल्क में पाकिस्तान में 96% आपके मुस्लिम भाई रहते हैं, आपका कहां है वो जज्बा? मुझे तो हैरानगी है हमारी अपोजिशन पर, मुझे हैरानगी है हमारी हुकूमत पर के अपने नंबर करने के लिए एक दूसरे की टांगे खींच रहे और ये नहीं सोच रहे हैं कि हमारे 3 करोड़ मुस्लिम भाई, पाकिस्तानी भाई इतने दर्द अंगेज अंदाज में जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं कहता हूं मुझे शर्म आती है और ये महीना जो रबीउल अव्वल का महीना है, मैं कहता हूं मैं तमाम हुकूमती बेंचेस से भी, मैं कहता हूं अपोजिशन बेंचेस से भी, मैं कहता हूं हमारे कौमी रहनुमा हैं जो मेरे लिए तमाम काबिले इज्जत हैं, मैं उन तमाम कौमी रहनुमाओं की इज्जत करता हूं, चाहे मोहतरम नवाज शरीफ साहब हो, चाहे जरदारी साहब हो, चाहे इमरान खान साहब हो, चाहे मौलाना साहब हो फजल रहमान, मैं उनसे कहता हूं कि आपको रसूल अल्लाह की कसम है कि इस मौके पर मुतहद हो जाए। मैं आपके सामने झोली फैलाता हूं कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए आप मुतहद हो जाएं और ये एक दूसरे से ये सियासतबाजी छोड़ दें ताकि हमारी आवाम को सुकून में असर आ सके। ये आपका मुल्क इस्लाम के नाम पर बनाए, आप बुलंद और बांग दावे करते हैं कि हम इस्लाम का किला बनाएंगे, इस हालत में आप लोग इस्लाम का किला बनाएंगे? एक गैर मुस्लिम की हैसियत से मैं आपको चैलेंज करता हूं कि मुझे शर्म आ रही है, मुझे मेरा दिल जल रहा है कि आप लोग कहां जा रहे हैं? आप जब इस्लाम का किला बनाना चाहते हैं तो यह हशर है आपका? आपने देखा है जनाब आला, मुझे सख्त अफसोस है, मैं जब जाता हूं मेरे बलोचिस्तान के हवाले से मैं अभी आपसे बात करूंगा कि सैलाब में वहां पर तड़प रहे हैं।